आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरठ में मेडिकल थाने में, के ब्लॉक में, विद्या मंदिर में बने पोलिंग बूथ में दो पक्षों में झड़प हो गई। दक्षिण से प्रत्याशी हाजी आदिल चौधरी पोलिंग सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश कर रहे थे, जिस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सपा प्रत्याशी का विरोध किया। देखते ही देखते सपा और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में झड़प हो गई। मामले को बढ़ता देख आदिल चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां से किसी तरह निकलकर अपनी जान बचाई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया। हमें पता चला कि वहां भूल पर भाजपा के लोग कब्जा करना चाह रहे थे। मरोड़िया जी ने बताया हम अंदर गए विद्या मंदिर में, मोबाइल बंद कर लो, ये बाहर हो गए। हम जब बाहर से आए इन पे हमला कर दिया उन्होंने, और हम निकल के आगे जैसे चल रहे थे इनको इन्होंने घेर लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बुखला रही है, क्योंकि सभी समाज ने गठबंधन को वोट दिया, सब जगह हम सब जगह से जीत रहे हैं, वो बुखला रहे हैं। तो इसकी शिकायत अपने प्रशासन वगैरह को दी है? हमारा देखिए बैठे मसला कर रहे हैं, हम क्या करने चाहिए मसला करके जो भी होगा फिर भाजपा की बुखलाहट, क्योंकि यहाँ मेरठ से सुपड़ा साफ हो रहा है, हम 6 सीट क्लियर जीत रहे हैं और 7वीं सीट में हमारी फाइट है। दरअसल ये मामला मेडिकल थाना क्षेत्र के ब्लॉक में विद्या मंदिर में बने पोलिंग सेंटर का है, जहां सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ शाम को 7 बजे बूथ चेक कर रहे थे। इसी बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि पोलिंग सेंटर के अंदर ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जय श्री राम के नारे के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आदिल चौधरी और कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया है कि हम लोग बूथ के अंदर नहीं गए थे, हम लोग बूथ एजेंट से बातचीत कर रहे थे तभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। देखिए ये घटना लगभग 5:30 बजे की है। दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी आदिल चौधरी जी, हम लोग उनके साथ गए थे, तब की हम लोग बूथ तक नहीं गए थे। भाई एक प्रत्याशी का कर्तव्य है कि वो जितने बूथ एजेंट है उनसे पूछ सकता है कि आज वोट परसेंटेज कितना हुआ, केवल इतना पूछने गए थे और तमाम सीसीटीवी फुटेज वहाँ मौजूद थे। ठीक है, जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं जय श्री राम के नारे, मैंने आपसे अभी भी कहा था तो राम में हम भी आस्था रखते हैं और बाबा साहब हमारा रास्ता है। हम लोग बाहर निकले, आदिल भाई को धक्का मुक्की करी, प्रत्याशी हैं इनके साथ भी काफ़ी बदतमीजी करी, जैसे इनको भेजा तो तुरंत 100-200 लोग एकदम मेरे को मारने पीटने लगे और काफ़ी सर में मेरे चोट भी है, काफ़ी चोट है, गुम चोट मेरे काफ़ी। उसके बाद मैं अपने जान बचा के वहाँ से निकला अपना कैसे भी करके अपना, और 2-3 लोग थे जिनको मैं जानता हूँ, एक लड़का है आपका ईशु बराना और शंभू पहलवान है और ललित मोरल है और अन्य व्यक्ति जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि जहाँ ये घटना घटी है वहाँ तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे। ठीक है ना, तो हम तमाम शासन प्रशासन के लोग से ये कहते हैं, ये मांग रखते हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई हो। ये खबर मेरठ से शाहरुख सैफी के साथ कैमरा पर्सन आसिफ सैफी ने कवर की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।